बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ अनीका निसार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। नाज़रीन, एक बार फिर आपको बाखबर रखने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से आज ज़रा शो का आगाज़ करते हैं, उस इदारे से जिसने अकाउंटेबिलिटी करनी है, एहतसाब करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे इस इदारे का एहतसाब करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पलटा खा जाते हैं उस तरफ जिसकी हुकूमत हो, जिस जमात की हुकूमत हो, उसकी ज़रा ज़्यादा जो है वो हिमायत करने लग जाया करते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है। ये हम बात कर रहे हैं उस मोटरवे की जो कि पेशावर और इस्लामाबाद के बीच में था। अब इसकी कॉस्ट के बारे में भी बात करेंगे, ठेका किसको दिया गया इस बारे में बात करेंगे, क्यों दिया गया और लेकर वापस फिर क्यों दिया गया, इस बारे में स्पेशली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं राव खालिद साहब, एडिटर रोजनामा 92 न्यूज़। राव साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपने ज्वाइन किया। सुहेल साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये जब किसी कंपनी से ठेका वापस ले लिया जाए, उसको वापस ठेका देना, ये कहाँ की अकलमंदी हुई और नैब इस मामले में पीछे क्यों हटता हुआ नजर आ रहा है? जब मामला हो अकलमंदी का तय करने का वज़ीर आज़म के पास, और फिर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब हों, फिर अकलमंदी का तो वही फैसला करेंगे कि जो वो सोच रहे हैं वही दुरुस्त है। आजकल नैब वैसे तो किसी बड़े केस की तहकीकात करते हुए दिखाई नहीं देता, छोटे मोटे केस हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में पेश होते हैं और उसके बाद बिल्कुल खामोशी है। अब चूंकि चेयरमैन नैब साहब के पास सिर्फ 3 माह का अरसा रह गया, जिसके बाद उन्होंने रिटायर हो जाना है, और उससे पहले भी शायद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस भी उनका मौजूद है, क्या होता है। लेकिन उन्होंने कुछ काम करने हैं जो कि वो ज़रूरी समझते हैं कि वो चंद केसेज जो उन्होंने तहकीकात के हवाले से हैं या अदालतों में हैं, वो उन्होंने ख़त्म करवाने लगते हैं। उन्हें कुछ एक खसूसी एक टास्क मिला है, उसी हवाले से ये केस बड़ा अहम नवयत का हामिल है। बड़ी खामोशी से कई सालों तक इसकी तहकीकात हुई। ये केस है बुनियादी तौर के ऊपर इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे की तमीर से मुतल्लिक, यानी M1 मंसूबे का। वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ़ साहब 1993 में जब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने मोटरवे की M1 की तमीर का ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया था तुर्किश कंपनी को, जिसका नाम है बे इंडर उसका नाम है। इस कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और माहदे के मुताबिक 16 अरब रुपये में इस कंपनी ने 185 किलोमीटर तवील मोटरवे तमीर करनी थी, जिसकी 6 लेने दोनों तरफ से होनी थी। लेकिन उसके बाद 1994 के अंदर पीपल्स पार्टी आ गई, मुस्लिम नून की हुकूमत को खात्म हो गया, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस माहदे को बहुत महंगा माहदा करार देते हुए और शफाफियत के मुनाफी करार देते हुए इस माहदे को ख़त्म कर दिया, यानी कि सिलसिला ख़त्म हो गया। तुर्की कंपनी वापस चली गई, लेकिन उसने जाकर आलमी सालसी अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया कि हमारा यहाँ पर पैसा लगा है, हमने यहाँ मोबिलाइजेशन की थी, NHA जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी थी दूसरी पार्ट के ऊपर, वो हमें पेनल्टी अदा करे। अल्टीमेटली NHA ने उस वक्त अपनी केस को किस तरीके से फॉलो किया, नतीजतन NHA को $10.97 मिलियन यानी $1 करोड़ उस वक्त उन्हें जुर्माना अदा करना पड़ा और यह मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद नवाज़ शरीफ़ साहब की दोबारा हुकूमत आई और 1997 में नवाज़ शरीफ़ साहब ने दोबारा फैसला किया कि मोटरवे की तमीर का दोबारा काम शुरू होना चाहिए और उसी कंपनी से इसकी तमीर मुकम्मल करवाएंगे जिसने इस मंसूबे की तमीर का आगाज किया था। उस कंपनी को कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे? ये बड़ा हैरानकुन था, और मुल्की कानून भी इस बात की इजाजत नहीं देते थे कि ऐसी कंपनी के साथ जिसके साथ आप मुआहदा खत्म कर चुके हैं और वो कंपनी आपके खिलाफ जुर्माना आपके ऊपर आयद करवा चुकी है, NHA जुर्माना अदा कर चुकी है, अब दोबारा उसको आप किस तरीके के साथ वही कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिर तब्दीलियां भी की गई। पहली तब्दीली ये की गई कि उस मंसूबे की लागत में मजीद इजाफा करते हुए उस मंसूबे की लागत 18 अरब 60 करोड़ रुपये तक ले जाई गई, और उसके साथ साथ उस कंपनी को ये छूट दी गई कि वो मोटरवे जिसकी पहले 6 लेन पर मुश्तमिल थी उसको 4 लेन पर किया गया, और पहले जो उसकी लेंथ थी 185 किलोमीटर थी उसको कम करके 158 किलोमीटर किया गया। तो इस नतीजे के अंदर भी कोई 5 से 6 अरब रुपये का उस कंपनी को एडवांटेज मिला, दोबारा उस कंपनी को अवार्ड किया गया। शोर शराबा मचा कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन नवाज़ शरीफ़ साहब ने कहा कि नहीं, हमने इसी कंपनी से ही मोटरवे की तमीर मुकम्मल करवानी है, और ठेका उसको दे दिया गया। और नई शरायत ये तय हुई कि उस कंपनी को पेमेंट जो है वो टाइमली की जाएगी, 2001 तक मोटरवे M1 की तमीर मुकम्मल करना लाजिम होगी। उस कंपनी ने एक साइड लाइन के ऊपर एग्रीमेंट किया, दोबारा तमीर का काम शुरू हो गया। लेकिन फिर 99 के अंदर हमने देखा कि दोबारा मियाँ साहब की हुकूमत का रुखसत होना पड़ा, उसके बाद मुशरफ साहब की हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने भी इस मंसूबे को फिर डिसकंटिन्यू नहीं किया, कहा कि ठीक है इस नए माहदे के मुताबिक इसकी कंपनी काम मुकम्मल करे। लेकिन 2001 जो मुकर्रर वक्त था जिसके ऊपर तमीर मुकम्मल होनी थी,
یہ تعمیر مکمل نہ کی گئی اس وقت تک اس کمپنی کو 75% جو رقم تھی اس منصوبے کی اوور آل وہ ادائیگی ہو چکی تھی، اور اس کے عوض اس کے اگینسٹ اس کمپنی نے صرف 29% کام مکمل کیا تھا۔ صحیح. یعنی اس کمپنی کو 4-5 سال مزید چاہیے تھے ایم ون کو مکمل کرنے میں، یعنی اگر ورک ان پروگرس کے حساب سے لگاتے تو پھر 75% کی بجائے 29% پیمنٹ ہونی چاہیے۔ Exactly. اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، یہ کمپنی کام نہیں کر سکتی، اب ملکی کمپنیوں سے کام مکمل کروایا جائے گا، اور یہ اس کمپنی سے کانٹریکٹ دوبارہ دوسری مرتبہ ختم کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کے اندر یہ کیس گیا، نیب کو آرڈر کیا گیا کہ قومی خزانے کو 10 ارب روپے کا نقصان پہنچا ہے، چیئر این ایچ اے کے افسران بھی اس کے اندر ملوث ہیں، چیئرمین این ایچ اے بھی ہیں، اور جس اتھارٹی نے حکم دیا تھا ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور یہ حکم دیا تھا وزیراعظم اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف صاحب نے۔ تحقیقات کا نیب نے آغاز کیا 2002 کے اندر، اور تحقیقات پھر جس سپیڈ سے چلتی رہیں چلتی رہیں، کبھی ہوئیں کبھی رک گئیں، الٹیمیٹلی جا کے نیب نے تحقیقات مکمل کی 2 سال قبل، اور احتساب عدالت اسلام آباد کے اندر اس کا ریفرنس نیب نے دائر کر دیا، جس کے اندر نیب نے اسٹیبلش کیا کہ ہم نے تحقیقات مکمل کی ہیں، قومی خزانے کا نقصان پہنچا ہے، اور اب احتساب عدالت ذمہ داران کو خلاف ذمہ داران کو سزا سنائے، اور جو قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ رقم وصول کرنے کا حکم دیا جائے۔ ٹھیک. اب احتساب عدالت کے اندر اس ریفرنس کے اوپر سماعت جاری تھی کہ اچانک نیب کو خیال آیا کہ اس کیس کے اندر یہ تو ریفرنس بنتا نہیں ہے، تحقیقات بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ این ایچ اے نے کہا کہ ہمیں جو ماضی کے اندر جو نقصان ہوا تھا وہ نقصان پورا ہو گیا، لہٰذا اب نیب اپنی تحقیقات بند کر دے۔ پورا کیسے ہو گیا سر؟ اب یہ بڑا کوئسچن ہے اس معاملے کے اندر 6 دن ہو گئے، میرے پاس اس سٹوری کے ڈاکومنٹس موجود ہیں، میں نے ترجمان نیب آصم علی نوازی صاحب سے رابطہ کیا، 6 دن ہو گئے، انہیں میسیجز کیے، انہیں ٹیلیفون کالس کی، انہوں نے کمٹ کیا کہ اس کے اوپر اپنا موقف دیں گے، اس کا کیا سٹیٹس ہے، کس کے اوپر ہم نے ذمہ داری فکس کی تھی، ہم کیوں اس کیس کو بند کرنے جا رہے ہیں۔ نیب احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرنے کے بعد اپنا ہی دائر کیا گیا ریفرنس واپس لینے کو کیوں تیار ہوئے، وہ اپنا موقف دیں گے۔ 6 روز مسلسل میں نے انہیں کالز کی، مسلسل میسیجز کیے، لیکن نیب نے کوئی مجھے اس کے اوپر جواب نہیں دیا۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کی انسٹرکشن تھی کہ اس معاملے کے اوپر لب کشائی نہیں کرنی، آپ خاموش رہیں چونکہ اس کیس کو ہم نے بند کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سٹیٹس یہ ہے، آگے انٹرسٹنگ یہ ہے، جب انہوں نے احتساب عدالت میں درخواست دی ہے کہ ہم یہ ریفرنس واپس لینا چاہتے ہیں، احتساب عدالت کے جج نے یہ کیس بند کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قومی مفاد کا معاملہ ہے، 10 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا، ہم اس طریقے کے ساتھ جب آپ کا جی چاہا آپ نے ریفرنس دائر کر دیا، آپ کہتے ہیں واپس لینے، کیس ریفرنس ختم کرنے سے احتساب عدالت نے انکار کر دیا ہے، اب وہاں پر یہ کیس کا ٹرائل ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیب 2 اور کیسز ہیں وزیراعظم نواز شریف صاحب سے متعلق، جو کہ رائے وینڈ روڈ کی تعمیر اور ایف آئی اے میں غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق ہے۔ چیئرمین نیب صاحب کی بھرپور کوشش ہے کہ انہیں کچھ ٹائم ملے، خاموشی سے ان دونوں کیسز کو بھی وہ بند کر دیں، تاکہ کچھ نہ کچھ ان کی اپوائنٹمنٹ کر کے انہیں اپوائنٹ کیا گیا تھا، ان کے اوپر جو نواز شریف صاحب کا اعتماد تھا اس کو کسی حد تک وہ بحال کرنے میں کامیاب رہے۔ راز صاحب، ایسا کیا تبدیل ہو گیا کہ پہلے تحقیقات کر کے خود احتساب عدالت گئی نیب، اس کے بعد پھر کہتی ہے نہیں جی یہ معاملہ تو طے ہو گیا، پیمنٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پوری ہو گئی، 10 ارب روپے کا نقصان 2001 کے ٹائم پر، یعنی اس کو انفلیٹ کر لیجیے، اس کو ڈیفینیٹلی آج کے حساب سے لگا لیجیے، تو پھر رقم اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہی 10 ارب روپے اگر فلاح و بہبود پہ لگ جائے تو بڑا ڈفرنس پڑتا ہے، ہیلتھ سیکٹر میں لگ جائے، تعلیمی سیکٹر میں لگ جائے، کیوں نہ پیچھے ہٹ رہی ہے؟ دیکھیں، میں اس کور کرتا رہا ہوں اس کے سارے، M2 جب بنی وہ بھی، اور یہ M1 کا جب سارا ہوا 93 میں، اس پہ بہت زیادہ شکوک و شبہات تھے جب یہ ٹھیکہ ایوارڈ کیا جا رہا تھا۔ بہندر کو جو ٹھیکہ ایوارڈ کیا گیا وہ خود بہت ڈیوبیس طریقے سے اس کو ایوارڈ کیا گیا تھا، اور اس میں اس وقت بھی یہ بات آ رہی تھی کہ جو اس وقت حکمران تھے میاں نواز شریف صاحب، ان کے کچھ ذاتی مراسم ہیں، میں وہاں پہ ترکی کے حکمرانوں سے اور باقی لوگوں سے، اس کی بنیاد پہ یہ ٹھیکہ دیا جا رہا ہے، جبکہ ایک دو اور کمپنیز بھی تھیں، شاید ڈائیو بھی انٹرسٹیڈ تھی اس کو، جو جس نے یہ موٹر وے بنائی ہے اس میں، پھر وہ بی او ٹی بیسس پہ اسلام آباد لاہور موٹر وے بنی تھی، تو وہ اسی بنیاد پہ ڈائیو بنانے کو تیار تھی، بی او ٹی بیسس، بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر کی بیسس پہ، آپ کو خرچ بھی نہیں کرنا پڑنا تھا، وہ خود ہی اس کو ریکور کر کے اپنا پورا کرتے پیسہ، تو یہ اس وقت ڈیوبیس بڑھا دیا گیا اور ایگزیجریٹڈ پرائز پہ دیا گیا۔ آپ نے بالکل درست کہا، اس وقت یہ بھی پوائنٹ اٹھایا گیا کہ یہ اتنی پرائز بنتی نہیں ہے، آپ لاہور کی موٹر وے 400 کلومیٹر کی بن رہی، 339 کلومیٹر کی، وہ بن رہی ہے 25 بلین میں، اور یہ آپ بنا رہے ہیں 151 کلومیٹر جو آپ بنا رہے ہیں وہ تقریباً 13-14 بلین میں آپ بنا رہے ہیں، تو ہاف سے تو کم ہونا چاہیے نا اسے، کم از کم 8-9 بلین اس کی بنتی تھی، میرا خیال ہے 15 بلین تک بعد میں چلی گئی تھی اس کی جو پرائز ایسکلیٹ ہو گئی۔
ये बेनजीर ने आके इसको इस बुनियाद पर ख़त्म कर दिया, उसमें सियासी वजूहत भी थी, लेकिन बुनियादी उसमें उन्होंने वजह यही बनाई गया एस्केलेटेड प्राइस है और ट्रांसपेरेंट नहीं थी वार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो था। मियाँ साहब वापस आए, दोबारा ठेका दिया इसको, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अब हुआ ये है। मुझे ये लग रहा है ये एक मुशर्रफ के दौर में जो जो इस पर हुआ, मुशर्रफ दौर में कैंसिल कर दिया था। मैं जावेद अशरफ काजी साहब उस वक्त देख रहे थे एनएचए को, उन्होंने आते ही कैंसिल कर दिया था। फिर नेगोशिएशन हुई, तुर्की गवर्नमेंट ने दबाव डाला, उन्होंने कहा अच्छा हम इनको इजाज़त देते लेकिन ये टाइम लाइन पर पूरा करें। उसके बाद उन्होंने एक बीच में और पख डाल दी थी कि ये जो खैराबाद वाला पुल है ये एनएचए ने बनाना है, हमने नहीं बनाना, हमने तो रोड बनानी है। वो बहुत एक्सपेंसिव 2-2.5 अरब का तो पुल ही था वो, कम अज़ कम जो उसकी लेंथ और जिस किस्म की दरिया सिंध के ऊपर जो बनना था। तो इस किस्म का भी इसमें हुआ। आखिर तंग आके उन्होंने इसको भगाया यहाँ से, बहिंदर को भगा के फिर खुद एनएचए ने और एक आध और कंपनी को साथ मिला के उन्होंने इसको कंप्लीट किया। ये 10 साल से इसको लेके बैठे हुए थे। हुआ ये है जो मुझे नज़र आ रहा है इसमें, अच्छा बैनुल अक़वामी अदालत में वैसे पाकिस्तान के हक में हुआ, ये गए थे, उन्होंने कहा था कि जी आप क्योंकि टाइम बार हो गया आपका ठेका कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कास्ट कोई नहीं डाली थी उन्होंने, बाद में कर दिया। ज्यूरिस्डिक्शन भी बाद में चैलेंज की, वो भी उन्होंने नहीं मानी। हुआ ये है जो मुझे लग रहा है कि इनको अब जाके पता चला है कि ये तो इस का रुख किसी और तरफ है, ऊपर से पनामा चल रहा है और केसेस चल रहे हैं। इनको पहले पता नहीं चला, ये बहिंदर का केस अंदर चल रहा होगा, किसी को ख्याल नहीं आएगा, किसी सियाने को अचानक पता चला होगा कि ओहो ये तो शायद मियाँ साहब का नाम आ रहा है इसमें, तो इसलिए ये अब अचानक एफिशिएंसी जागी है, वरना ये बहुत पहले खत्म कर चुके थे अगर इनको पहले पता होता। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ भी बढ़ते हैं, जरा वो भी मोटरवेज के हवाले से ही है। और जैसे जैसे JIT तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड को निकालने की कोशिश कर रही है, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है, वैसे वैसे कतरी शहजादों के पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से कारोबार हैं उसके बारे में भी बड़े सवाल उठने लग गए हैं, और डेफिनेटली अब उसके बारे में भी बातें आने लग गई हैं। अभी M1 के बारे में बात कर रहे थे, एक और NHA से भी रिकॉर्ड तलब कर लिया, वो किस मामले में किया है सोहेल साहब? ये JIT कतरी शहजादों का क्या, ये क्या है? निका पनामा लीक की तहकीकात से मुतल्लिक JIT ने अपना काम का दायराकार बहुत वसी कर दिया है और काम की रफ्तार भी बढ़ा दी है। और अब ये फैसला ये किया गया है कि जहाँ पर शरीफ फैमिली से उनके लंदन के अंदर बनाए गए असासों की, उनके मनी ट्रेल की जहाँ पर सारी तफ्तीश की जा रही है, उनसे तमाम सबूत मांगे गए, उसके साथ साथ ये बात भी देखी जाए कि जिस दौर के अंदर वो फ्लैट्स बने और उस दौर का जिक्र होता रहा है लॉट ऑफ टाइम के जो मोटरवेज तमीर हुई उसके अंदर कतरी शहजादों की कंपनियों ने काम किया, कहा यह जाता था उस दौर के अंदर भी कि उस दौर का किक्स बैक्स मिलने शुरू हुए और अल्टीमेटली वही रकम लंदन के फ्लैट्स के असूल तक उस रकम ने रास्ता हमवार किया लंदन के फ्लैट्स का। उसके बाद भी मुसलसल हम देख रहे हैं कि कतर के शहजादों की कंपनियों का पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शोबों के अंदर उन्हें मंसूबे मिल रहे हैं, उनका बिजनेस इंटरेस्ट यहाँ पर मौजूद है। सर साहब अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जी? अब एक तो अच्छा जो अब JIT ने सारा रिकॉर्ड मांगा है NHA से, वो मोटरवेज की तमीर के मुतालिक जो कंपनियाँ काम कर रही थी और कलर कहार के नज़दीक जो एशिया के सबसे बुलंद तरीन पुल बनाया गया था वो एक कतरी कंपनीज ने बनाया था, NHA से स्पेसिफिकली उसका रिकॉर्ड मांगा गया सारा। उसके बाद मियाँ साहब की जब भी हुकूमत यहाँ पर पाकिस्तान में बनी 1993 के बाद, कतरीज को यहाँ पर बिजनेस करने के उन्हें बहुत से मौाक़े मिलते हैं। अब लेटेस्ट हम देखते हैं कि जब दोबारा 2013 के बाद इनकी गवर्नमेंट बनी तो उन्हें अलमरकाब जो उनकी होल्डिंग कंपनी है कतरी शहजादों की सैफुररहमान के ज़रिए से $2 अरब का प्रोजेक्ट है जो कि पोर्ट कासिम कोल पावर प्रोजेक्ट है, वो उन्हें अवार्ड किया गया, बगैर बिडिंग के दिया गया, CPAC के थ्रू उसको फैसिलिटेट भी करवाया गया, उसको फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर चीन से लोन भी दिलवाया गया, वो प्रोजेक्ट शामिल है। उसके बाद हम देखते हैं कि कतर के साथ 15 साल के लिए LNG खरीदारी का मुआहदा किया गया, वो जी G2G बेसिस पे किया गया है। उसके साथ कतर के और बहुत से शोबों के अंदर उनके यहाँ पर उनके इंटरेस्ट हैं। अब JIT अपने तहकीकात का इदारा और वसी कर दिया है कि देखा जाए कि जहाँ पर अगर उन्हें किक्स बैक्स मिलते रहे हैं तो उनका पाकिस्तान के अंदर किस हद तक उनके कारोबार का मफाद जुड़ा हुआ है। उसके साथ पिछले दिनों हमने देखा था कि शिवाशी साहब ने भी बड़ा गिला किया था अपना JIT के तहकीकात से मुतल्लिक, और उन्होंने कहा था कि आप किस तरीके का सलूक हमारे साथ रवा रख रहे हैं। अब पता चला है कि JIT ने SCCP को एक लेटर लिखा है और उन्हें ना सिर्फ शिवाशी साहब की फैमिली हमजा शहबाज और शरीफ बरदरान के दीगर जो अहबाब हैं उनकी को 45 से ज़ायद रजिस्टर्ड कंपनियाँ हैं उनका सारा रिकॉर्ड मांग लिया है कि वो किस किस शोबे में काम कर रही हैं, उनकी क्या एनुअल रिटर्न रहे हैं, उनकी वो कंपनियां किस किस कंपनियों किन किन कंपनियों के साथ मुंसलिक हैं। तो ये पहली मरतबा ना सिर्फ हुसैन नवाज़ या हसन नवाज़ नवाज शरीफ साहब के बाद
उनके अहले खाना से भी, उनके अजीज व अकारब से भी इस तहकीकात का सिलसिला यहाँ तक बढ़ाने के लिए सिलसिला शुरू कर दिया गया। लेकिन दूसरी जानब हम देखते हैं कि यहाँ पर GIT अपनी अपनी तहकीकात का सिलसिला बड़ी स्पीड से जारी रखा हुआ है। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब भी सऊदी अरब रवाना हुए, वहाँ पर उन्होंने फैसला किया कि जो सऊदी अरब और कतर के साथ जो जो खलीज ममालिक का तनाज़ा खड़ा हुआ है, इसको हल करने के लिए उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। सऊदी अरब से भी बात करेंगे और कहा जा रहा है कि वो कतर के साथ भी इस मामले में राबते में है, कुवैत के साथ भी, कि पाकिस्तान ये चाहता है कि इस मसले को अब बाहमी हुस्न बाहमी एहसन तरीके के साथ इसको हल कर लिया जाए, बजाय से इस ऐसा कोई इकदाम हो जाए जिससे ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर दे और उसके नतीजे में फिर कतर के ऊपर बहुत सी कतरों भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और इवन पाकिस्तान को बहुत से मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, चूँकि हमारी जो पावर प्लांट्स, बिजली की सप्लाई और जो गैस की इस वक्त सप्लाई का सारा इंहसार हम कर रहे हैं वो कतर से खरीदे जाने वाली LNG पर कर रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ होती है तो आइंदा आने वाला साल मुस्लिम लीग नून के लिए भी बहुत से मुश्किलात का बाइस बन सकता है। चलें, अभी तो मुश्किलात और भी आनी है, अभी वजीर आजम साहब ने भी पेश होना है, राव साहब, बल्कि इमरान खान साहब ने भी ट्वीट की थी कि उससे पहले पहले इस्तीफा दें, पेश होने से पहले एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं एज अ मुल्ज़िम पेश हो। लेकिन ये जो सड़कें बनाने का, मोटरवे बनाने का, पुल बनाने का मामला है, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई महारत नहीं है इसलिए कि जी सड़कें बनाई जा सके? क्या हम इतने ही गए गुजरे हैं कि हमें बाहर से हर बार सड़कें या पुल बनाने के लिए या मोटरवे बनाने के लिए लोगों को बुलाना पड़े? आपने अभी मोटरवे की बहाली की है, M2 की, FWO ने की है, आपके बलूचिस्तान में सबसे डिफिकल्ट ट्रेन जो है, सख्त तरीन पहाड़ हैं और बड़े मुश्किल वो सारे रास्ते आस्ते हैं, वो सारे उन्होंने किए। उन्होंने सिर्फ एक डिज़ाइन बीच में पुल का बनवाया जापानियों से, वो ज़रा डिफ़िकल्ट था उसका, वो स्टील कंस्ट्रक्शन होने, स्टील स्ट्रक्चर था पूरा वो, तो अदरवाइज़ तो सारा वो FWO कर रही है उसकी सारी चीज़ें, इतना कोई मसला नहीं था। बात यह कि आप खुद अपने इदारों को यूज़ कर सकते हैं, उनको अगर उनके पास कैपेसिटी नहीं है आप कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं उनकी, उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, इंजीनियर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और बहुत से एक्सपर्ट्स लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन मसला फिर ये पनामा लीक्स कैसे होती, ये सारा जो बखेड़ा हुआ है ये तो सुनने को ना मिलता आपको, अगर हमने अपने लोगों से ही कराना था और ख़ुद ही ये सारा कुछ करना था। मुझे किस्सा याद आ रहा है, मैंने रिपोर्ट किया था उस पर, जो बावजूद वो खबर छप नहीं सकी, मैं एक उर्दू अखबार में काम करता था 92 में, तो BCCI का जब फॉल डाउन हुआ सारा उसका हुआ, तो उसमें हुक्मरान ख़ानदान का भी कहते हैं 1 बिलियन रुपया वहाँ पर इन्वेस्ट था, तो वो भी तकरीबन डूब चला था। तो जाम सादिक साहब चीफ मिनिस्टर सिंध होते थे, उन्होंने 2 UAE के लोग पकड़े, नाम मैं उनके ले देता हूँ, एक नासिर लोथा साहब थे, एक शेख हुरैर, बहुत बड़े वहाँ की पर्सनैलिटीज़ है ये, तो उनको प्राइम मिनिस्टर से मिलवाया उन्होंने और उस वक्त उनकी नेगोशिएशंस हुई कि किस तरह से ये सारा कुछ हो सकता है, रिकवरी किस तरह हो सकती है सारा, तो उन्होंने यकीन दहानी जब कराई तो उसके बदले में बदीन में उनको आयल एक्सप्लोरेशन के लिए एक पोर्शन दिया गया उसके बदले में कि आप ये करवाएं। अब आई डोंट नो वो रिकवर हो सका, 1 बिलियन रुपया वहाँ से नहीं हो सका क्या वो, तो इस किस्म की डील्स दिस इज़ नॉर्मल। और इसमें ये सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया भर में ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आती हैं ये चीज़ें जब आप इस किस्म की बात करते हैं। अभी भी जो LNG की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किसने किकबैक ली होगी नहीं ली होगी, $1.1 बिलियन की किकबैक की बात चल रही है कि लंदन में कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, एक शायद ये 1 Avonfield उसको कहते हैं, ये क्या है, वो काफ़ी सारे उसमें अपार्टमेंट्स है सारा, जो कतरियों उस कतरी शहजादे की थी या इस कंपनी का जो मालिक है जिसने लिया है ठेका उसकी थी, उसने आगे किसी को दे दिया है इन रिटर्न ऑफ वो पूरा जो हुआ है। अब उसमें सैफुर रहमान का कोई रोल है, शायद खान अब्बासी साहब का कोई रोल है, हुक्मरान ख़ानदान का कोई रोल है, ये मुझे नहीं पता, तहकीकात हों तो शायद पता चल जाए सच झूठ क्या है इसमें। लेकिन ये भी उसके बारे, ये नॉर्मल एक कह लें कि अब टर्किश कंपनी बेंदर की जैसे बात हमने की, अभी टर्किश कंपनियों के साथ इस किस्म की बातें चली, जब लाहौर के लिए मेट्रो बसें खरीदेगी उसके ऊपर भी इसी किस्म का था कि 30% कम से कम एक बस के ऊपर जो है वो किकबैक उस पर लिया गया, इसने 100 बसों के ऊपर 30 लाख रुपये एक बस पर किकबैक बनता है, 100 बसों के ऊपर आप देख ले कितना वो बनता होगा। तो ये एक जुबान जदे खासो आम है जो ये कहते हैं हमारे दौर में कोई करप्शन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो अगर ये नहीं करे तो इनको पता होना चाहिए कि ये बात खबरें आम है मार्केट में, लोगों को पता है। और जैसे भट्टी साहब ने अभी कहा, जो तहकीकात का जो रुख इख्तियार किया जा रहा है, जिस तरफ जा रही हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि वो खबरें गलत नहीं है, अफवाहें नहीं है, कुछ सीना गजट खबरें नहीं है, यकीनन कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई है जो अब वो खुल के सामने आनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि सड़कें बनाने के लिए हमारे यहाँ टैलेंट भी मौजूद है, मशीनरी भी मौजूद है, इक्विपमेंट भी मौजूद है, बहुत सारे प्राइवेट इदारे भी हैं, बहुत सारी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं जो बना रही हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर है, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है, बड़े आराम से और बड़ी अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनाई जा सकती हैं। लेकिन ये बाहर से
सड़कें बनवाने के लिए लोगों को बुलवाना ये समझ से बाहर लगता है, उसकी तहकीकात डेफिनेटली चलते रहना चाहिए। एहतसाब अदालत ने ये जो बात की थी पिछले टॉपिक के अंदर हम बात कर रहे थे, और अब ये जो कतरी शहजादों की बात आ रही है कुछ अरसे में खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन खुलकर एक और चीज़ सामने आ रही है, हम कहते हैं अक्सर औकात कि तालीम के शोबे में ध्यान नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन AGC जिसने तमाम वो एजुकेशन देखनी है जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी से ऊपर की एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन हो, उसका भी ध्यान नहीं है अपने रिकॉर्ड्स की तरफ। रिकॉर्ड मांगा गया तो रिकॉर्ड गायब हो गया। कौन सा रिकॉर्ड गायब हुआ सर? अनिका, ये PhD स्कॉलरशिप्स के मामले का ये मामला है। HEC की जानिब से 2004 से 2017 तक 8557 अफराद को स्कॉलरशिप दिए गए PhD के लिए, और इसके ऊपर अब तक मजमूई तौर के ऊपर 48 अरब रुपये खर्च हो चुके हैं। जो नौजवान भी क्वालिफाई करते हैं PhD के स्कॉलरशिप के लिए, वो अंदरून मुल्क आपने किसी यूनिवर्सिटी में करना हो या बैरून मुल्क, उसका एक पूरा क्राइटेरिया होता है, एक एग्रीमेंट होता है। जो बैरून मुल्क नौजवान PhD के लिए जाते हैं उनके साथ ये एग्रीमेंट किया जाता है कि आपने PhD मुकम्मल करने के बाद आपने पाकिस्तान वापस लौटना है और 5 साल मुल्की इदारों में आपने सर्व करना है। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि आपको बैरून मुल्क को आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप जा सकते हैं। वापस आना लाजिम है, शर्त है। और उसके साथ अगर बैरून मुल्क आप PhD करने के लिए गए हैं और आप फेल हो गए, आप नहीं कर सके, उस सूरत में भी माहदे के मुताबिक आपने 25% पेनल्टी के साथ वो रकम जो आपकी PhD के ऊपर खर्च हुई है HEC की जानिब से बतौर स्कॉलरशिप, वो आपने वापस करनी है। लेकिन HEC के पास इस वक्त कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने लोग बैरून मुल्क गए थे और वापस आके उन सब लोगों ने क्या वो यहाँ सर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये ज़रूर मौजूद है कि सैकड़ों नौजवान ऐसे ज़रूर हैं जिन्होंने अपने बैरून मुल्क जाकर अपनी PhD मुकम्मल की है, लेकिन वो वापस नहीं आए। बैरून मुल्क जो जिन नौजवानों ने जाके PhD की है उसके ऊपर 18 अरब रुपये खर्च किए हैं, HEC की जानिब से खर्च किए गए हैं। फी नौजवान तकरीबन 75 लाख रुपए बैरून मुल्क PhD की के लिए खर्च आता है, तकरीबन 1 करोड़ खर्च आता है। उसके साथ जो अंदरून मुल्क कर रहे थे PhD उनके ऊपर तकरीबन 16 से 25 लाख रुपए खर्च आता है। अब ये दोनों जो कैटेगरीज हैं, जो बैरून मुल्क है उसके अंदर सैकड़ों ऐसे नौजवान हैं जो वापस नहीं आए, सिरे से पाकिस्तान आए ही नहीं कि आके जो जिस मकसद के लिए उन्हें भेजा गया यहाँ पे आके कंट्रीब्यूट करें, डिलीवर करें। HEC के काम था कि उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते, जो एग्रीमेंट किया हुआ था उन्हें नोटिस सर्व किए जाते, उन्हें वापस बुलवाया जाता। लेकिन HEC के पास इस वक्त कोई एग्जैक्ट उनके पास कोई डाटा नहीं है, खामोशी से सब बैठे हुए हैं कि हाँ जी हमने इतने PhD स्कॉलर्स तैयार कर लिए, बस काफ़ी है। उसके बाद जो हम बात करते हैं जो अंदरून मुल्क जिन्होंने डिग्री जिन्होंने करनी थी उनकी तादाद थी PhD के स्कॉलर्स की 5887, उनमें से अब तक सिर्फ 2863 ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपनी PhD मुकम्मल की है। उसके अलावा अभी तक जो बाकी रिमेनिंग हैं उन्होंने मुकम्मल ही कर सके, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हो गए करने में नाकाम रहे हैं, उसमें से सिर्फ 180 ऐसे हैं जिन्होंने 25% पेनल्टी के साथ रकम वापस की है। 700 से ज़ायद ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने ना रकम वापस की है ना वो HEC के साथ रबते में है। HEC खामोशी से बैठा हुआ है, प्लान क्या बना के बैठे हैं, प्लान ये है कि VN 2025 के लिए हमने 38,000 PhD स्कॉलर्स तैयार करने हैं, वो प्लान बन रहा है, अरबों रुपये उसके ऊपर खर्च करने हैं। लेकिन पहले जो हमने PhD के स्कॉलर्स तैयार किए उनकी यूटिलाइजेशन किस तरीके से हुई, वो बैरून मुल्क डिग्री मुकम्मल करने के बाद वापस लौटे कि नहीं लौटे, उन्होंने यहाँ के यहाँ सर्व किया कि नहीं किया, और अंदरून मुल्क जिन्होंने मुकम्मल की वो किस तरीके सर्व कर रहे हैं, HEC के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। हाँ, अब ये कहा जा रहा है कि हम ऐसा अपना डाटा कंपाइल कर रहे हैं और जिन लोगों ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है उनके खिलाफ हम केसेस रजिस्टर्ड करेंगे और उन्हें दोबारा बैरून मुल्क से वापस लाकर उन्हें पाबंद करेंगे कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में आकर या मुख्तलिफ इदारों में आकर वो अपनी खिदमत सर अंजाम दें। सही है, ठीक है राव साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है क्विकली, लेकिन आपसे कॉमेंट लेकर बाद में दोबारा कॉमेंट ले लेंगे। ये इतना जरूर है कि ये HEC की कोताही तो है ही है कि उनका रिकॉर्ड है ही नहीं, या उनका रिकॉर्ड कहाँ खो गया ये पता नहीं, जिस तरह वो JIT के अंदर भी रिकॉर्ड मांग रहे हैं, रिकॉर्ड पता नहीं किधर है। लेकिन उसके साथ साथ उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती थी, जो कौम के पैसे से कौम के खजाने से पढ़ने गए, पढ़ने के बाद गायब हो गए। यकीनन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, तीन पहलू हैं इसके बुनियादी तौर पे। आप ब्रेक ले लें उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इसके। एक तो HEC का ऑब्वियसली है, दूसरा जो आपने जिक्र किया ये जो स्टूडेंट्स ये गए,
फिर उसके बाद जो वापस आते हैं तो क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि जब वापस आते हैं तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, क्योंकि यहाँ पे जब वापस है 5 साल तो उनको कहते रहें, लेकिन 1 साल श्योरिटी होती है एच ई सी की, हम 1 साल जॉब देंगे उसके बाद उनकी कोई श्योरिटी नहीं होती। चले तो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीनों पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जाना है और उसके बाद इन तीनों पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर इस हवाले से एच ई सी ने भी कोई इस चीज़ का सद्देबाब ढूंढा हुआ या नहीं ढूंढा हुआ, देखेंगे एक ब्रेक के बाद। हजारों PhDs तो तैयार कर लेने हैं, लेकिन राव साहब वही हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, तीन मसले जिनके ऊपर आप पॉइंट आउट करने लगे थे, हजारों PhDs तैयार करने के बाद आप करेंगे क्या, उनको जमा करके रख देंगे क्या? पहली तो सबसे बुनियादी रोल HEC का, बड़ी अच्छी ये मूव थी, मुशर्रफ के दौर में शुरू हुई कि PhD डॉक्टर ताऊर रहमान होते थे उस वक्त HEC के हेड, कि हमारे यहाँ PhDs की बहुत कमी है, लोगों को ज्यादा क्वालिफिकेशन बेहतर होनी चाहिए, सिर्फ मास्टर्स करके लोग लेक्चरर्स बन जाते हैं। तो PhD के लिए सिलसिला शुरू हुआ, उस वक्त फंडिंग की जाती थी, जैसे भट्टी साहब जिक्र किया 97 एक करोड़ के करीब तकरीबन एक PhD पर खर्चा हुआ था। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप उनको भेजते हैं, उसके तहत उन्होंने रिपोर्ट करना होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम कि उनकी प्रोग्रेस कैसी जा रही है, कहाँ तक पहुँची है पढ़ाई उनकी, किस तरह से वो कर रहे हैं, थीसिस वगैरह का क्या है, सारा वो करते रहे, रिपोर्ट बैक करते रहते हैं ताकि इनको पता हो कि क्या पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा, क्योंकि फंडिंग एकदम से नहीं दी जाती, फंडिंग उसकी प्रोग्रेस के हवाले से दी जाती है। तो HEC का इस पे फेलियर है कि इन्होंने मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं रखी कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, किस तरह से जा रहा है, ये फंड्स देते रहे, जाहिर है लोग अप्रोच भी करते होंगे दाएं बाएं से, जैसे हमारे यहाँ एक है रवायती तौर पे कि प्रेशर डाल के रिलीज करा लिए फंड, वो होते रहे HEC के पार्ट पे ही फेलियर। फिर जो लोग वापस नहीं आए उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं की, अब तक ये मानते 47 है लेकिन 200 के करीब कम अज़ कम है लोग PhD जो वापस नहीं आए पाकिस्तान में, एक पहलू ये। दूसरा पहलू उन स्टूडेंट्स का है जो जाते हैं PhD करने के लिए, उनको पता है सारी टर्म्स एंड कंडीशंस का कि हमने PhD करनी है, उसके बाद हमने मुल्क वापस जाना है, मुल्क में HEC हमें 1 साल का श्योरिटी दे रही है कि 1 साल आपको जॉब हम पाकिस्तान के अंदर देंगे, उसके बाद उनकी कोई गारंटी नहीं है। तो उस वो करने से पहले उनको पता होना चाहिए कि ये हमने ये सारा कुछ करना है इस तरह से। तीसरी बात इसमें यह है कि जो 1 साल की बुनियादी तौर पर श्योरिटी है, उसमें होता क्या है कि 1 साल के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है कोई नहीं, यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करती हैं कि ज़्यादा पैसे ना, PhD को ज़ाहिर है आपको एक एडिशनल अलाउंस भी देना पड़ता है, सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो शायद ना ही लें उनको, सरकारी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी है पब्लिक सेक्टर में भी है वो भी प्रेफर नहीं करती। अभी 500 PhDs ने इहतजाज किया पिछले दिनों यहाँ पे कि हमें तो जॉब ही नहीं मिल रही, हम बेकार फिर रहे हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ इस सारे प्रोसेस का? वही फिर बात आ जाती है कि आपने प्लान किस तरह से किया सारी चीज़ को, आपने कर ली PhD करानी है जी लोगों को, कहाँ यूटिलाइज़ कहाँ करना है उनको, पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे पोटेंशियल है कि उनकी जॉब प्रॉपर लग सके, वो काम कर सकें सही तरीके से, तो वो तो है नहीं आपके पास, तो आप उनको PhD करा के पैसे खर्च किए जा रहे हैं, अरबों रुपये खर्च कर चुके हैं आप, अब वो यहाँ पर बेरोज़गार फिर रहे हैं। ये एक और डायलेमा है पाकिस्तानी सोसाइटी का कि जब पढ़ा लिखा बंदा बेरोज़गार फिर रहा होता है, फिर आप कल को कहें कि जी ये पढ़े लिखे भी दहशतगर्द होते हैं, सिर्फ जाहिल नहीं होते, और जो घर से इकोनॉमिकली आसानी हो जिनको वो भी बन जाते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं देखने की कि अगर आपने एक प्लान किया तो उसको एट द एंड ऑफ द डे उनकी यूटिलिटी क्या है जो PhD करके आ रहे हैं, तो वो करते क्या है, उनको पता है 1 साल की जॉब मिलनी है उसके बाद कुछ मिलना नहीं है, इसलिए वो कोशिश यही करते हैं कि बाहर ही अपना कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ले, कोई जॉब मिल जाए किसी तरीके, या फर्दर एजुकेशन के लिए कोई स्कॉलरशिप ले लें किसी कंट्री में, तो वो इस तरह से करके करते हैं। ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, HEC को देखना चाहिए इसको। ठीक है, HEC तो देखेगी, लेकिन HEC पहले अपना रिकॉर्ड देखे, ये कि वो रिकॉर्ड गया किधर, क्यों नहीं इन्होंने नोटिस किया कि इन लोगों के यहाँ से पूरा प्रॉपरली रिकॉर्ड रखा ही नहीं जा रहा था, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है जो कि PhD करने गए सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जानते हुए गए और उसके बाद फिर गायब हो गए, तो फिर डेफिनेटली यहाँ हमारी इखलाकियात के ऊपर भी सवाल आता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ कराची की, वो शहर जहाँ से वो फलों का बॉयकॉट 3 दिन का जो हुआ था वो स्टार्ट हुआ था, उसने रंग भी दिखाया, तकरीबन 20-30% फलों की कीमतें गिरी भी कराची शहर में बिलखसूस, लेकिन जहाँ सबका ध्यान फलों के बॉयकॉट की तरफ था वहाँ सब्जी फरोशों ने
गोश्त फरोशों ने, दाल फरोशों ने उसका पूरा पूरा फायदा उठाया, और पूरा पूरा फायदा इस तरह से उठाया राव साहब के बेसन की कीमतें बढ़ गई, चने की कीमतें बढ़ गई, दालों की कीमतें बढ़ गई, सब चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, इनका भी बॉयकॉट करना पड़ेगा लगता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जो नेक लोग बताया करते थे, मौलवी साहबान खुतबे में रमज़ान जब आता था तो वो कहते थे कि अल्लाह ताला का शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए कि आपको ज़िंदगी में रमज़ान मिल गया और आपको ये सआदत हासिल हुई और नेकियाँ कमाएँ। तो पता नहीं इन ये हजरत, इनका कोई कोई दीन और है, इनकी कोई किताब और है, इनको कोई बताता कोई और है तर्जमा करके कि किस तरह से करना है। ये तो बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म की कोई मखलूक हमारे यहाँ पैदा हो गई है, दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। अब जर्मनी में देखें, एंगेला मर्केल ने टैक्सेस वो माफ़ कर देते हैं रमज़ान में, पिछले रमज़ान में उन्होंने पहली दफ़ा स्टेप लिया, इस दफ़ा फिर उन्होंने यही किया कि रमज़ान में जो मुसलमानों के लिए जितनी भी दुकानदारी होती है वहाँ पर चीज़ें दी जाती हैं उस पर टैक्स वो ख़त्म कर देते हैं एक महीने के लिए। इस तरह लंदन में स्पेशल शॉप्स होती हैं, हर शॉप पे जहाँ पे मुसलमानों से मुतल्लिक कोई चीज़ हलाल चीज़ सब्ज़ी फल वगैरह जो भी मिलता है वहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट्स लग जाते हैं, 20% 30% 50% तक लग जाते हैं। हम वाहिद मुल्क हैं जहाँ पे रमज़ान लगाया जाता है कमाई के लिए, नेकी कमाने के लिए नहीं, माल कमाने के लिए। ये पूरे माफियाज़ हैं, इनका दुकानदारों का माफिया, आढ़तियों का माफिया, ये पूरा मिल के ज़खीरांदोज़ों का माफिया, ये मिल के लूटते हैं। वो किसान जिसने वो फल बीजा है, जिसने वो सब्जी लगाई है, जो वो दालें उगा रहा है, उस बेचारे को कुछ नहीं मिलता उसमें से हिस्सा, वो बड़ी मुश्किल से बेचता है उनको, आड़ती ब्लैकमेल करके उससे लेता है, एडवांस रकम दे के उसको औने पौने खरीद लेता है उससे, उसको कुछ नहीं मिलता। ये धड़ाधड़ माल बनाते हैं और इस तरह बनाते हैं कि जैसे ये आखिरी रमज़ान है ज़िंदगी का और इसके बाद शायद इनको मौका भी ना मिले। तो ये उसमें फिर मैं कहूँगा कि हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं, सो रही हैं क्या? उनको नहीं देखना कि ये प्राइस कंट्रोल का काम उनका है, सस्ते बाजार लगा के ये मसले का हल नहीं है कि हमने तो सस्ते बाजार लगा दिए, ये मसले का हल किस तरह से होगा? अब सस्ते बाजार में अब कहाँ कहाँ किस किस शहर से लोग आके लेंगे, हर शहर में सस्ते बाजार अगर लगे हुए हैं तो कितनी वहाँ पे अवेलेबिलिटी है? यूटिलिटी स्टोर पर आप चले जाएँ, वहाँ पर क्या करते हैं वो बल्क उठा के ले जाते हैं, घी और सारी चीज़ें दुकानदार उठा के ले जाते हैं और वो जाके बेचते हैं अपनी मर्जी के रेट्स के ऊपर। इसलिए अवाम को वो सहूलत फिर भी नहीं मिल रही जब तक हर जगह पे आपको प्राइस प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म ना हो। चलिए सस्ते बाजार माना सुहेल साहब, चलिए एक थोड़ा बहुत रिलीफ है, लेकिन ये रिलीफ देने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी जब बाकी नॉर्मल दुकानें वहाँ रेगुलेट क्यों नहीं कर पा रहे ये तमाम चीजों को प्रॉपरली? अनिका, जहाँ तक सस्ते बाजारों की बात है ना, जहाँ कहीं भी कराची की बात करें या हम दीगर जगहों की बात करें, अभी रावलपिंडी का वाक्य है, यहाँ पर सस्ते बाज़ारों के अंदर जो मुख्तलिफ फ्लोर मिल से आटा सप्लाई किया जा रहा था, उनकी जब सैंपल किए गए, हमने भी स्टोरी की थी, अब पता चला है कि वहाँ पर 4 शुगर फ्लोर मिल्स का आटा इंतहाई गैर म्यारी निकला है, उसके अंदर कीड़े थे और उनका उनको बैन कर दिया गया, कुछ 24 से 20 लाख रुपये उनको जुर्माना भी आयद किया गया। सस्ते बाज़ारों के अंदर जितना मुख्तलिफ लोगों के पास होल सेलर के पास गैर म्यारी सामान पड़ा होता है वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को फरोख्त करते हैं और फिर सस्ते बाजारों में ज़्यादातर वो सामान बिकता है। अब ये कराची के अंदर हम बात कर रहे थे शेख खुर्दनोशी कीमतों से मुतलिक, सस्ते फलों की मुतलिक कैंपेन वहीं से चली थी, यकीनन सब लोगों का ध्यान वहाँ चला गया था, लेकिन जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, जो प्राइस कंट्रोल कमेटी थी, उसका ध्यान तो वहाँ रहना चाहिए था ना कि अगर आवाम फलों का बाइकआउट कर रहे हैं तो जो दीगर अशिया हैं उनकी कीमतों में किस तरह का इजाफा हो रहा है। ये सब लोग जो हैं जो कीमतें बढ़ाते हैं ना, उनको किसी को ऐसा हौसला नहीं होता कि जब तक वो प्राइस कंट्रोल कमेटी या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर पूरी इनकी साजबाज होती है, वहाँ से पहले इनको गारंटी किया जाता है कि ठीक है आप कीमत के अंदर ये हमारा निर्खनामे होंगे, एक दो मरतबा एक्शन होगा, फिर आप अपनी मर्जी से कीमत मुकर्रर करें। कराची के अंदर चिकन के गोश्त से लेकर मुख्तलिफ अशिया की कीमत में जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटी ने जो कीमतें मुकर्रर की हैं, हर मसनूआत की कीमत 20 से 40 रुपए फी किलो इजाफी वसूल किया जा रहा है, ठीक है, रोजाना किया जा रहा है, ये नहीं को एक दिन करते हैं, लेकिन चूंकि वहां पर उनकी प्रॉपर सेटिंग हुई होती है कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है, एक दिन आप एक्शन ले फिर देखते हैं किस तरीके से वो दूसरे दिन कीमत बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली खमियाजा वहां भुगत रहे हैं, लेकिन वो राव साहब की बात है, खुदा के लिए रमजान के महीने का खौफ कर लें, इस महीने के अंदर अगर आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते तो आवाम से नाजायज मुनाफा खोरी तो ना करें। चलिए ठीक है, नाजायज की बात करते हैं तो जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बात कर दी थी, पता नहीं जायज थी या नहीं थी, जरदारी साहब ने की थी, जाते जाते ये कह गए थे दुबई जाते जाते वो, क्योंकि इस बात के बाद वो इधर रह नहीं सके या रहना नहीं चाहा उन्होंने, कह के गए थे ईंट से ईंट बजानी है। उसके बाद फिर 2 साल गुजर गए हैं और 2 साल पहले की हुई बात का आज उनको कुछ ना कुछ खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, लगता कुछ ऐसा है कि सुहेल साहब निका आप ठीक कह रही हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है रोज़, वो GIT के मामला के हों, करप्शन के मामला हों या दीगर मामला हों, सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में लगता है बड़ी तेज़ी से बदलने जा रहा है।
زرداری صاحب پیپلز پارٹی کافی عرصے سے نون لیگ کے ساتھ کافی کمفرٹیبل پوزیشن میں تھی، کافی ایک سپورٹ بھی انہیں حاصل تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے زرداری صاحب نے جب انہوں نے جنوری 2015 میں فوج سے متعلق بہت سخت تقریر کی تھی، بڑے بہت سخت دھمکی میز بیانات دیے تھے، لیکن اس کے بعد کوئی سرکاری مشینری ایکٹیو نہیں ہوئی تھی اور وہ خاموشی سے بیرون ملک چلے گئے تھے، وہاں بیٹھے۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ملٹری لیڈرشپ کے اندر جب تبدیلی آئی تو پھر کہا یہ جا رہا تھا کہ اب نواشی صاحب ان کے لیے راہ ہموار کریں گے اور جلد زرداری صاحب واپس آ جائیں گے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب واپس آ گئے، اور واپس آ کے انہوں نے لاہور کے اندر بھی ڈیرے ڈالے رکھے، پنجاب کا بھی دورے کیے، خیبر پختونخوا بھی دورے کیے، خاموشی رہی۔ لیکن اب اچانک ایک درخواست جو کہ تھانہ سیکرٹریٹ میں ایک سال سے پینڈنگ تھی، وہاں پہ سابق صدر آصف زرداری کے خلاف پاک فوج کے خلاف دھمکی امیز تقریر کرنے کا کے اوپر مقدمہ درج کرنے کی درخواست تھی، لیکن پولیس اسے انٹرٹین نہیں کر رہی تھی۔ اب اس درخواست کو اچانک دوبارہ ایکٹیو کر دیا گیا ہے، اور اس درخواست گزار سے کہا گیا کہ اب جائیے عدالت سے رجوع کیجیے، وہاں سے آرڈر لے کے آئیے تاکہ پھر ایف آئی آر کا اندراج کیا جا سکے۔ یہ درخواست اس وقت ایکٹیو کی گئی ہے جب مسلم لیگ نون کو ایک بڑا جھٹکا لگا، جب سینیٹر نہال ہاشمی نے ایک عدلیہ سے متعلق ایک تقریر کی، جی آئی ٹی سے متعلق دھمکی امیز تقریر کی، سو موٹو نوٹس ہوا، عدلیہ نے کاروائی کا آغاز کیا، تو مسلم لیگ نون نے اس کو شروع میں کہا کہ ہم نے بھی کاروائی کر دی ہے، نہال ہاشمی صاحب سے سینیٹر شپ سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے، بس وہ اب چیئرمین کے سامنے پیش ہوں گے، چیئرمین سینیٹ کے سامنے ان کا استعفیٰ قبول ہو جائے گا۔ تیاری بالکل ایسی ہی تھی، پہلی مرتبہ ایسا تھا کہ جو مسلم لیگ نون کا جو کب ایسی کوئی سچویشن ہوتی تھی، ان کے کسی وزیر نے یا ان کے سینیٹر نے بیان دیا تو اس کو ٹیکل نہ کر پائے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا مشاہد اللہ خان صاحب نے بیان دیا، استعفیٰ لے لیا، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، پرویز شیخ صاحب کا معاملہ بھی تھا، اب یہاں پہ بھی اسٹریٹجی ایسی تھی، لیکن نہال ہاشمی صاحب یا تو بہت تیز نکلے یا زرداری صاحب تیز نکلے۔ اس وقت یہ ذرائع سے خبریں سرگردش کر رہی تھیں کہ نہال ہاشمی صاحب نے پارٹی لیڈرشپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پیش ہوں گے، چیئرمین سینٹ کے سامنے ایکسیپٹ کریں گے کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے اور ان کا قبول ہو جائے گا، لیکن وہ اچانک غائب ہو گیا، انہوں نے کہا جی میں پیش نہیں ہوں گا، میں استعفیٰ واپس لینے کو تیار نہیں ہوں۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ان سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے ان سے بات چیت طے ہو گئی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں اس وقت ذرا مسلم لیگ نون کو بھی ٹف ٹائم دینے کا وقت آیا ہے، تو ان سے بھی ہم بھی تھوڑا حساب برابر کرتے ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب سے کہا گیا کہ آپ خاموش بیٹھے رہیے، ہم آپ کو فیوچر میں فیسلیٹیٹ کریں گے، آپ نے یہ استعفیٰ نہیں دینا، اور نہال ہاشمی صاحب نے الٹیمیٹلی استعفیٰ نہ دیا۔ اس کے دوران جب نون لیگ کوئی بات کلیئر ہو گئی، رپورٹس گئیں، تو انہوں نے اس درخواست کو ایکٹیو کروایا کہ اب زرداری صاحب کے خلاف عدالت سے رجوع کرواتے ہیں، ان کے خلاف بھی کوئی مقدمے کا اندراج ہونا چاہیے، انہیں بھی پتا چلنا چاہیے۔ اور اب نہال ہاشمی صاحب کو پارٹی سے تو نکال دیا گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کس طریقے سے نہال ہاشمی صاحب کو آن کرتی ہے، اور اگر 22 جون کو یہ سماعت ہونی ہے ڈسٹرکٹ سیشن جج اسلام آباد کے کورٹ میں، اب وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ پولیس کو آرڈر کر دیتے ہیں کہ وہ مقدمے کا اندراج کریں سابق صدر آصف زرداری کے خلاف، تو پوری صورتحال سیاسی منظر نامہ یکسر طور پر بدل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا راؤ صاحب، دوسری طرف وہ جے آئی ٹی کے اندر رحمان ملک صاحب کو بھی بلا لیا گیا ہے، انہوں نے بھی پیش ہونا ہے، ڈیفینیٹلی تمام چیزیں وہ بھی سامنے لے کر آئیں گے، لگتا ہے میثاق جمہوریت کمزور پڑ گیا۔ میثاق جمہوریت ایک دوسرے کو بچانے کے لیے پھر اکٹھے ہو جائیں گے، سارے اللہ کا فضل ہے، ایک جیسے ہیں مزاجن بھی اور اپروچ بھی ایک جیسی ہے، نہ تاریخ سے انہوں نے کچھ سیکھا ہے، نہ اپنے ذاتی جو مصائب ہیں، زرداری صاحب اتنا سا جیل میں رہے، میاں صاحب نے جلاوطنی کی زندگی گزاری ہے، لوگوں کو بڑی امید تھی میاں صاحب سے، خاص طور پہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت کوئی انٹرنیشنل اسٹیچر کا اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ میاں نواز شریف ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ انہوں نے نہ تاریخ سے کچھ سبق سیکھا ہے، نہ اپنے ذاتی جو تکلیفات انہوں نے اٹھائیں جتنی بھی اٹھائیں، رہے تو بڑے سکون میں سرور پیلس میں، انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، اور وہ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں وہ 1985 میں جب وہ پہلی دفعہ، بلکہ اس سے پہلے جب وزیر خزانہ بنے تھے، پھر اس کے بعد پنجاب کے چیف منسٹر بنے، تو وہ مائنڈ سیٹ اپروچ وہ اتنی آرتھوڈاکس قسم کی ان کی ہے، پھر جمہوریت کی انڈرسٹینڈنگ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اگر کسی کو تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بینظیر بھٹو تھی، جن کو ڈیموکریسی یا ان کے قریبی ساتھی رضا ربانی یا اس کے اعتزاز ہو گئے، یہ ان لوگوں کو ہے، یا کچھ لائر کمیونٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں، ورنہ ان کو تو جمہوریت کی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے کہ جمہوریت ہوتی کس کیا بلا ہے، کس طرح سے جمہوریت میں بیہیو کیا جاتا ہے، کس طرح سے رہا جاتا ہے، کس طرح سے ویلیوز بنائی جاتی ہے جمہوریت کی، ان کی قدر کس طرح کی جاتی ہے، نہ کوئی اخلاقی اقدار کا خیال رکھا جاتا ہے، موریلٹی نہ ہونے کے برابر ہے، جس طرح کے کیس چل رہے ہیں اس میں تو ویسے ہی ان کو کر دینا چاہیے۔ اس پرٹیکولر کیس میں آصف علی زرداری صاحب نے جو تقریر کی تھی اور نہال ہاشمی نے جو کی وہ اتنی سملر ہے، انہوں نے فوج کو کہا تھا کہ آپ نے 3 سال رہنا ہے تو دیکھ لیں گے پھر آپ کو، انہوں نے عدلیہ اور جی آئی ٹی والوں کو کہا کہ آپ نے تو کچھ ریٹائر ہو ہی جانا ہے، تو تقریباً ملتی جلتی ان کی تقریر تھی اور دھمکیاں بھی ملتی جلتی تھی،
और मेरा ख्याल है मिलते जुलते अंजाम से ये दो चार होंगे। साद रफीक साहब ने भी काफ़ी तकरीरें की हुई हैं, दानियाल ने भी की हुई हैं, तलाल ने भी की हुई हैं और बहुत से लोग हैं जिन्होंने काफ़ी की हैं। मेरा ख्याल है ये एक ट्रेंड सेटर होगी ये दरख्वास्त अगर ये सेशन कोर्ट से हो जाती है। मेरा ज़ाती इतला है कि कुछ और लोगों ने भी तैयारी कर रखी है कि वो बहुत से लोगों के खिलाफ दरख्वास्त देंगे और शायद ये कंसोलिडेट होकर एक बड़ा केस ना बन जाए एक लेवल पर जाके। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब देखना तो ये है कि आगे चल के होगा क्या, लेकिन आगे चल के एक और मसला खड़ा हो रहा है वो पंजाब हुकूमत के लिए। आपको याद है पिछले दिनों कुछ इश्तहार था जिसको फोटोशॉप करके कुछ शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा दी गई थी, उसके बाद से कुछ रिस्ट्रक्चरिंग की बात की जा रही है और वो रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर ताल्लुकाते आमा का जो शोभा है उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है कि कुछ खत्म करने की बात हो रही है। सोहेल साहब क्या चल रहा है? उनका कुछ प्लान ऐसा ही है, पंजाब गवर्नमेंट कुछ अरसे से इस बात पर गौर कर रही थी, प्रॉपर एक कमेटी बनाई गई कि जो डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन है पंजाब का महकमा ताल्लुकात आमा जिसके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पंजाब की 36 ज़िला में कायम है उसको रिस्ट्रक्चरिंग के नाम के ऊपर तकरीबन ख़त्म कर दिया जाए और एक जो पंजाब गवर्नमेंट की जो इश्तहारी मुहिम होती है तकरीबन जिसके ऊपर सालाना 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च किए जाते हैं पंजाब हुकूमत की मुख्तलिफ मनसूबों की तशहीर के लिए, उस मकसद के लिए और उसके बाद जो मुख्तलिफ मनसूबे चल रहे होते हैं और अजलाक के ऊपर जो उनकी पब्लिक रिलेशन की कंपेन चलाना होती है उसको एक नए जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाए, उसके नाम के ऊपर अब एक ऐसा इदारा जो क़यामे पाकिस्तान से कबल का कायम है और 1981 में इसका नाम फिर तब्दील करके डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन किया गया था इसको बंद कर दिया जाए। इसके अंदर तकरीबन 1200 इसके टोटल इसके मुलाज़मीन हैं जिसके अंदर जो अफसरान हैं वो 122 हैं और उस बाकी जो हैं वो ग्रेड 1 से 14 तक कोई उसके तकरीबन 1100 उनके दीगर मुलाज़मीन हैं। प्लान ये बना है कि जो मुलाज़मीन हैं ग्रेड 1 से 14 के उन्हें सेक्रेटेरिएट ग्रुप में भिजवा दिया जाए वो वहाँ पर काम करें, जो मुख्तलिफ ग्रेड 15 से ऑनवर्ड जो उनके बाकी अफसरान हैं उन्हें मुख्तलिफ वजारतों में और मुख्तलिफ शुबों के अंदर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर तैनात कर दिया जाए और इनको साइड लाइन पर करके फिर जो इश्तहारी असल का ऑब्जेक्टिव जो है इश्तहारात के जो फंड्स हैं उसकी यूटिलाइजेशन का है, उसकी कोशिश ये की जा रही है क्योंकि ऐसी कोई पब्लिक लिमिटेड एक कंपनी बना दी जाए जो ना सिर्फ एक डिफरेंट मैकेनिज्म के तहत इस अरबों रुपए के फंड्स को भी यूटिलाइज करे उसको भी मैनेज करे बल्कि उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि जो मौजूदा तरीक़ेकार है तल्लुका पब्लिक रिलेशनिंग का और उनकी इमेज बिल्डिंग का अब ये लोग वो उस तरीके से अदा नहीं कर सकते। सही है। और चूंकि जब से ये सोशल मीडिया आया है और जब से मुख्तलिफ प्राइवेट हाउसेज की खिदमात ली गई हैं ऑफ कोर्स उन्हें काम करने का बड़ा मुख्तलिफ उनके पास एक्सपीरियंस होता है, टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ है, वो लड़के बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं तो उनका रिजल्ट्स जो मिला है शहबाज शरीफ साहब को वो बहुत बेहतर है। वो समझते हैं कि हमें उन नौजवानों से मुख्तलिफ अच्छा आपके सामने भी कुछ नहीं है वो आपके डिफरेंट तरीके से आपकी कंपेन को रन करते हैं, आपने उनको पे करने वो बेहतर तरीके से कंपेन रन करते हैं उनसे ये सारा काम करवाया जाए। अब बहुत बेचैनी पाई जाती है इसके महकमे तल्लुकाते पंजाब आमा के अंदर, उन्होंने जो इसके इस वक्त डीजी डायरेक्टर जनरल हैं राजा जहांगीर साहब वो खुद एक ग्रेड 18 के ऑफिसर हैं, सेक्टरी इन्फॉर्मेशन भी हैं, ग्रेड 19 के जो ऑफिसर हैं वो इनके सेक्टरी हैं इनके मातहत हैं और भी ग्रेड 20 के ऑफिसर असलम डोगर साहब वो भी इनके मातहत काम कर रहे हैं, ये इनको सारी जिम्मेदारियां तफवीज की गई हैं और ये सारा इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। अब जो अफसरान हैं और मुलाजमीन हैं वो पंजाब हुकूमत के इस फैसले को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, आइंदा साल के बजट के अंदर इनकी तनख्वाहों के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। अब इन्होंने कल फैसला किया कि कल वो लाहौर के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे, पंजाब के मुख्तलिफ इजलास से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स और उनके डिप्टी डायरेक्टर्स जहाँ पर आएंगे पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ उनके महकमा ताल्लुकात आमा के वो लोग जो पंजाब गवर्नमेंट की इमेज बिल्डिंग करते थे ताल्लुकात आमा का रोल प्ले करते थे अब वो कल हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे कि आप हमें रिस्ट्रक्चरिंग के नाम के ऊपर इस तरीके से आप वाइंड अप नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कुछ जिद्दत भी चाहिए होती है राव साहब, जिस तरीके से सोशल मीडिया का टाइम है अडेप्टबिलिटी भी ज़रा कम होती है सरकारी शोबों के अंदर, अगर यही लोगों को सोशल मीडिया के सेक्टर के अंदर या सोशल मीडिया के डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया जाए तो ये भी तो हो सकता है, क्या इनकी ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, उसमें अडेप्टबिलिटी और ज़ाहिर आप इनोवेशन जिस किस्म नए सोशल मीडिया के टूल्स आ गए उनको यूज़ करके पब्लिसिटी की जाती है जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है दूसरे लफ्ज़ों में, लेकिन ये मुशर्रफ के दौर में ये एक प्लान हुआ था इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को ख़त्म करने का सेंटर पे, जिसपे बहुत अच्छा उन्होंने वर्किंग पेपर भी बना था, सारी चीज़ें हुई थी उसमें, लेकिन समहाउ उसको ख़त्म नहीं कर पाए जो मेरे ख्याल में एक बहुत सीरियस मसला है पाकिस्तान का
इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का जो बुनियादी तौर पे काम है वो गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन और प्रमोशन जो काम हो रहे होते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में हो रहे होते हैं उसको बताना, फिल्म एंड पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है इनका एक वो करता है, फिर एक्सटर्नल पब्लिसिटी का डिपार्टमेंट है वो बाहर के जो जरीदे हैं जो मुल्क हैं उनको बताता है कि किस किस तरह से, फिर प्रेस अटैचेस होते हैं हर मुल्क में हमारे जो मोस्टली इंफॉर्मेशन ग्रुप से होते हैं उनका ये काम है ये सारे प्रोजेक्शन करना। एक्सटर्नल पब्लिसिटी फिल्म एंड पब्लिकेशन और जो प्रेस अटैचेस हैं इस हद तक तो ये ठीक है कि वो करते हैं। जो यहाँ पे हमारे अंदर हो रहा है बुनियादी तौर पे वो ये हो रहा है कि जो एडवर्टीजमेंट है तमाम इदारों की तमाम मिनिस्ट्रीज की वो राउट होती है थ्रू PID और या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अभी मैनेज कर रहा है उसको, मरियम साहिबा शायद डायरेक्टली देख रही हैं कि किसको इश्तिहार जाना है किसको नहीं जाना, वो बेसिकली लिवरेज के तौर पर अब यूज़ किया जा रहा है। ये जो इश्तिहार आता है वो इसलिए नहीं आता कि कोई बताना लोगों को मकसूद है कोई अच्छा काम कर लिया, वो बुनियादी तौर पे बहुत महंगे इश्तिहारात होते हैं और वो लिवरेज के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहा है मीडिया ग्रुप या जो नहीं कर रहा उसको किस तरह ठीक करना है, इश्तिहार रोक के इश्तिहार दे के, ये सारा मैनिपुलेशन का तरीका है। वो एक बहुत गलत सेगमेंट है इस पूरे इंफॉर्मेशन ग्रुप का जो इस तरह से यूज़ किया जाता है। ओरिजिनली उसका ये होना चाहिए जो मुशरफ के दौर में थी वो ये थी कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका अपना PR डिपार्टमेंट हो हर मिनिस्ट्री का, वो अपना अलहदा से डील करें, खबर रिलीज़ करनी है इश्तिहार रिलीज़ करने हैं उन्होंने प्लान करना एडवर्टीजमेंट का खुद अपना करे, तो वो सबसे इफेक्टिव तरीका है मेरा ख्याल है, ये सेंट्रलाइज करके तो सिर्फ ब्लैकमेलिंग की जाती है। चलिए ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल, कुछ मिडिल ईस्ट के हवाले से। मिडिल ईस्ट में आए रोज कोई ना कोई, स्पेशली अरब स्प्रिंग के बाद से अब तक सुकून नहीं आ सका, और इसके अंदर अपने अरब ममालिक भी कोई खातर ख्वाह अच्छा किरदार अदा नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा सऊदी अरब, बहरीन और UAE ने जब से उसके साथ फिर इजिप्ट भी मिल गया, जब से कतर का बॉयकॉट किया उसके बाद से और ज्यादा कशीदा सूरत हाल बनती चली जा रही है। क्या कतर को यमन और सीरिया बनाने की कोशिश किया जा रहा है या फिर क्या इसके पीछे जो है वो रीजंस हो सकती हैं? राव साहब, वो कहा यह जा रहा था कि ईरान के साथ कतर कता ताल्लुक करे कतर, वो इसलिए ये मामला उठा, लेकिन ईरान के साथ तो और ज्यादा करीब होता हुआ नजर आ रहा है कतर, तो क्या उल्टी तो नहीं पड़ रही है तदबीर? ये उल्टी भी पड़ रही है और काफी सीरियस कंडीशन है। देखिए जब ये तकरीबन ख़त्म हो रहा था यहाँ पे अफगानिस्तान वगैरह में, इराक में थोड़ी लो इंटेंसिटी वॉर पे चले गए थे और लग रहा था अमेरिका पुल आउट करेगा, उस वक्त से ये इंटरनेशनली ये इस पर कमेंट किया जा रहा था कि अब व्हाट नेक्स्ट। तो व्हाट नेक्स्ट में जो बड़े बड़े जो कह ले बाखबर या जो जो हिस्ट्री को समझते हैं बड़े बड़े लोगों ने, बहुत से लोगों ने लिखा कि नेक्स्ट जो है वो मिडिल ईस्ट और सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ ये कन्फ्लिक्ट जोन बन सकते हैं और आगे चल के शाम तुर्की ईरान ये कन्फ्लिक्ट बन सकती है, तुर्की और ईरान की डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट भी हो सकती है। इस पर बहुत से डिस्कशंस हुई हैं बड़े हाई लेवल पे हमारे स्ट्रेटेजिक लोगों से, इंटरनेशनली अमेरिकन ने डिस्कशंस की हैं, मुझे खुद बहुत सी आई एम प्रिवी टू मोस्ट ऑफ डिस्कशंस कि किस किस्म की बातें इस पर होती रही हैं पिछले 8-9 साल से ये चीज़ें चल रही हैं। अब अल्टीमेटली वो कह ले कि खुलना शुरू हो गया सारा वो मंजरनामा और सारी चीज़ें उसी तरफ जाना शुरू हो गई। अब ये इनकी अकल पे पर्दा पड़ गया है मिडिल ईस्ट वालों की, खासतौर पर सऊदी अरब की, कि क्यों नहीं इसको प्रॉपरली वो देख पा रहे हैं कि ये सारा कुछ जो हो रहा है दाएं बाएं उनके, उनको खुद यही वो खुद ख़राब कर रहे हैं बजाय इसके कि वो इसको अंडरस्टैंड करें कि ये कन्फ्लिक्ट का इसका नतीजा क्या निकलेगा। ठीक है, जो अरब स्प्रिंग हुई है वो बुनियादी तौर पर एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ जा रही है कि जी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उस किस्म की चीज़ें चली, जनरल सिसी को आपने ज़बरदस्ती बिठा दिया मिस्र में, लेकिन असल तो डेमोक्रेसी की तरफ ये मूवमेंट सारी जा रही है, तो उसका नुकसान किसको होगा? दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब के जाने पर कमेंट कर दूँ, वो एज़ प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर गए हैं, ज़ाती हैसियत में सऊदी अरब अगर उनको कुछ समझता तो उनको हर 2 महीने बाद दावत देकर बुला लेता, जब वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं तब उनको बुलाते हैं, इसलिए वो ये ना समझे कि गुजराती इन्फ्लुएंस करके ये लड़ाई खत्म करा लेंगे वो। ठीक है, लड़ाई खत्म कराने के लिए दोनों साइड्स की बाहमी रजामंदी भी तो चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ नजर नहीं आता। कदर फिर भी कह रहे हैं कि चलिए ठीक है कुछ बातचीत करने की तरफ आते हैं, अभी आज की ये बात है, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आ रही। निका, सऊदी अरब को फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करना होगा, दीगर ममालिक ने भी सऊदी अरब से कहा है, सऊदी अरब इनडायरेक्टली अमेरिकन डिज़ाइन को सपोर्ट कर रहा है। देखें अब से अगर पिछले कुछ दहाइयों में देखें या पिछले सालों में देखें, अमेरिका ने जहाँ कहीं किसी मुल्क के खिलाफ स्टैंड लिया है तो डायरेक्टली उसके खिलाफ स्टैंड लिया और उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया या पाबंदियाँ आयद की हैं। कतर के ऊपर उसने ऐसा दोहरा म्यार रखा हुआ है कि एक आलमी इस्लाम को और उम्मत मुस्लिमा को कन्फ्यूजन में डाल के, एक जानी वो कहते हैं कि सऊदी अरब से हमने ये इनिशिएटिव करवाया, दूसरी तरफ कतर के साथ भी उनके बेहतर मरासिम हैं, कतर के अंदर उनके सबसे बड़ा और ये अड्डे उनके वहां पर मौजूद है। कतर जो दुनिया के अंदर प्रॉस्पेरिटी के तौर पे जाना जाता है, जो अरबों डॉलर का बिजनेस कर रहा है, LNG का सबसे बड़ा वो सप्लायर है,
वहाँ पर एलएनजी की एक्सट्रैक्शन से लेकर सप्लाई तक सारा काम अमरीकी कंपनियाँ कर रही हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ममालिक के दरमियान रखना डालने की कोशिश है। इस अदम इत्तफाक के दौरान अमरीकी अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं। सऊदी अरब को होश के नाखून लेने चाहिए, इस मामले को हल के लिए दरमियानी राह निकालनी चाहिए। इसका सबसे नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम ममालिक को होगा। अमेरिका अपना बेनिफिट हासिल करना चाहता है। अगर ये सब ममालिक इकट्ठे हो जाएं, जो छोटे मोटे तनाजात है वो बाहमी तौर पर बैठ के हल किए जा सकते हैं। चलिए सुहेल साहब शुक्रिया, राव साहब शुक्रिया। लेकिन इतना जरूर है कि अगर किसी भी साइड से मुसलमानों में कोई भी दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो कम अज कम हम उस मुसलमानों को तो सोचना चाहिए कि अगर ऐसा कोई करने की कोशिश कर रहा है तो क्या हम उसके अंदर कोई मोहरा तो नहीं बन रहे हैं एक ऐसे वक्त के अंदर जिस टाइम पर दहशत गर्दी के हवाले से हमें इस धब्बे को अपने से साफ करने, ऐसे में हम आपस की चपकलिश में पढ़कर कहीं मेन गोल को खो ना बैठे। हमारे आज के शो से इतना, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआगो रहिए। अल्लाह हाफिज़।